वर्चुअल सेशन बुलाने की तजवीज मान ली जाती तो इजलास पहले हो सकता था। लॉकडाउन पर भाषण देने वालों ने इजलास की तजवीज मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान की सूरत हाल दीगर मुतासर ममालिक से मुख्तलिफ है। क्या तनकीद करने वालों ने दिहाड़ीदार और गरीब तबके के बारे में सोचा? लॉकडाउन से लोगों को घरों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन पर बरस पड़े, बोले कहा गया सूबों की मदद नहीं की गई। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, उसकी कदर करते हैं। 18वीं तरमीम का वाबिला करके खुद खिलाफ वर्जी करने का रवैया ठीक नहीं। और जितनी जितनी इन्फेक्शन की बात होती है, इन्फेक्शन बढ़ रही है। एक्चुअली अगर इन्फेक्शन बढ़ेगी तो शरा अमवात जो है वो तनासब के हिसाब से और कम हो जाएगी, लेकिन हमें साथ साथ जब तनकीद की जाती है और ये कहा जाता है कि जी उन्होंने परवाह नहीं की, मैं पूछता हूँ कि उनकी आपने परवाह की जो तनकीद कर रहे थे? उन्होंने इस चीज की परवाह की कि लोग जो है उनके लॉकडाउन के असरात आम आदमी पे क्या होंगे? उन्होंने इस चीज की परवाह की कि जो बेचारे रोज सुबह घर से उठते हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं उनके क्या हालात होंगे? क्या उन्होंने इस चीज की परवाह की कि जो दुकानदार सुबह उठता था और वो अपने दुकान से रोज की कमाई कर लेता था उसके क्या हालात होंगे? ये आफत जो है ये गरीबों पे ज्यादा आई है इस लिहाज से कि उनकी मेशत, उनका रोजमर्रा की जिंदगी बेतहाशा मुतासर हुई। हमें कहा गया कि जी सूबों की मदद नहीं की गई। एक तरफ 18वीं तरमीम जिसमें एक कानून है, 18वीं तरमीम एक आईन है, आईन का हिस्सा है, क्योंकि आईन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जिसमें ये नहीं होता कि गुंजाइश ना हो, लेकिन क्या खबरदार 18वीं तरमीम को का जिक्र भी ना छेड़े। लेकिन साथ साथ ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसका तल्लुक वफाकी हुकूमत से है।